Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi guys, this is me Anushka Sen. You're watching me on Times of India. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि यू नो जो भी नर्वसनेस थी, जो भी डर लग रहा था, वो खतरों के खिलाड़ी में लग रहा था, बट फिनाले है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि मतलब कौन जीतने वाला है. बहुत डिफ़िकल्ट है चूज़ करना, क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं. दोनों ने ही ऐसा परफॉर्म किया है कि आई थिंक दोनों ने अपना बेस्ट तो दिया ही है, बट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लाइक सब में से. सो दोनों में से मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगी. मेरा जर्नी बहुत बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, बहुत ही एडवेंचरस था. सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ही इंस्पायर्ड फील किया मैंने, क्योंकि मैं बहुत बचपन से उनकी फिल्म्स देख रही हूँ एंड मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो उनके साथ मिलना, उनके साथ काम करना, उनका पूरा गाइडेंस यू नो मिलना इस शो पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. तो आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिग बॉस के लिए, क्योंकि यू नो बिग बॉस एंड खतरों दोनों ही बहुत बड़े रियलिटी शोज़ हैं एंड कलर्स के सबसे बड़े शोज़ हैं ये, एंड सब देखते हैं यू नो. तो एक तो खतरों के खिलाड़ी मैंने कर लिया है, एंड मुझे मतलब पता नहीं था कि मैं इतने छोटी उम्र में जाऊँगी, बट आई वेंट एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम. आई एन्जॉयड सो मच, एंड जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा यू नो मेमरीज बनाई, उससे बहुत ज़्यादा स्टंट्स कर पाई. सो आई एम वेरी हैप्पी. दिव्या दी जीत गई एंड आई एम सो हैप्पी. मैं उन्हें सपोर्ट कर रही थी एंड मैं चाहती थी कि वो ही जीते. यू नो मैं हर एक एपिसोड नहीं देख पाई, बट मैंने जितना भी देखा, मैं यू नो लगा मुझे कि वो बहुत इंडिपेंडेंट थी, बहुत ही स्ट्रांग हेडेड थी एंड उन्होंने गिव अप नहीं किया. सो आई ऑलवेज लाइक आई रियली वॉन्टेड हर टू विन, एंड वरुण भैया तो मेरे बहुत क्लोज हैं. सो आई एम सो हैप्पी दैट शी वॉन. बिल्कुल क्यों नहीं, यू नो दोनों ही रियलिटी शोज मैं हमेशा से देखती हूँ, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस ऑल्सो समडे. बिल्कुल मेरी फिल्म है माई नेक्स्ट जो रिलीज़ हुई है स्वीडन फिल्म फेस्टिवल में, बॉस्टन फिल्म फेस्टिवल में, एंड मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का बॉस्टन फिल्म फेस्टिवल में. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल बिकॉज इट्स माई फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड. सो वो रिलीज़ हो रहा है यू नो इन डिफरेंट फेस्टिवल्स, एंड ऐसे बहुत सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्दी आने वाले. ऑल माई फैंस थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए. आपने हमेशा से मुझे बहुत प्यार दिया है, एंड खतरों के बाद आपने यू नो मेरे एक दूसरी साइड देखी है, जिसकी वजह से आपने मुझे और ज़्यादा प्यार दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट.